और मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने में अभी सहजन मुनगा है। ये सहजन मुनगा का एज हो चुका है दोस्तों 1.5 मंथ आसपास। ये करीबन आपके यहां जा कर के अगर ये लग जाता है 2.5 महीने के अंदर अंदर और 2.5 महीने के अंदर ये फल वगैरह देना चालू कर देगा, क्योंकि जस्ट सामने बरसात है और जब ऊपर का पानी जो आसमान से गिरा हुआ पानी जो होता है वो पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और उसके साथ साथ में ये तो हाइब्रिड मुनगा है। बहुत जने बोलते हैं कि हाइब्रिड मुनगा का पत्ता का साग वगैरह खाते नहीं बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम अगर हाइब्रिड मुनगा की बात करें तो इसमें कई क्वालिटीज़ के होते हैं, जैसे कि इसमें 5-6 क्वालिटी आता है। 5-6 क्वालिटी में ये एक ऐसा क्वालिटी है ओडिसी, जिसको आप आराम से आप इसको खा सकते हैं और ये कड़वा नहीं लगता है। साल में ये 2 बार फलेगा दोस्तों, और 2 बार फलने के बाद आपको एक बार इसको कटिंग करना है। अगर आप पहला फसल में ही अगर कटिंग कर देते हैं तो फिर दूसरा फसल आपको इसका थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो जैसे ये पहले अगर ग्रोथ करे एक बार जो भी है अपना दिखा देगा वो कि मैं इस टाइप का फलूंगा बोल करके, साइज़ वगैरह सब कुछ ये अपने आप को बता देगा। लेकिन सेकेंड बार जब ये फलेगा दोस्तों तो आपको फल बहुत ज़्यादा देगा, और फिर आप उसको कट करना है। साल में एक बार कट करना है, साल में 2 बार ये फसल देगा। 2 बार में एक बार ये बहुत ज़्यादा फसल देता है, और सेकेंड बार क्या है ये दिखाता है कि हाँ मैं साल में 2 बार फलता हूँ बोल करके। इस टाइप का नहीं, आपको झूठ नहीं बोलेंगे। सहजन मुनगा एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा बहुत तेज़ी बढ़ने वाला पौधा है। इसको बीच बीच में हर 3 महीने में फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला था दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं धूप के पौधे अलग होते हैं, छाए के पौधे अलग होते हैं। अगर इंडोर पौधे को यहाँ पे रखा जाए तो क्या दिक्कत आ सकता है, देखिए यहाँ पर का जो ग्रीन शेड है, हमने ये आधा यहीं तक लगाया हुआ है ग्रीन शेड। तो ग्रीन शेड आधा यहाँ तक लगे रहने की वजह से धूप का जो आवागमन है ये यहाँ से बढ़ जाता है। उस वजह से जिस पौधे में मिट्टी कम है या जिस पौधे में अंदर ये गड़ा नहीं है गर्मी के दिन में, या तो फिर इसको आप इंडोर भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए ये आंवला का पेड़ है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आंवला का पेड़ जो है धूप का पेड़ है, तेज़पत्ता जो है धूप का पेड़ है। बहुत बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि मैं इसको सोच रहा था कि ये आराम से चल जाएगा बोल करके, ये नहीं चलने का रीज़न है इसका बहुत बड़ा, कि ये जो है ये मिट्टी इसका पॉली कम हो गया, और साथ में ये जो आप धूप देख रहे हैं, देखिए धूप की लाइनिंग कैसी है। अब ये यहाँ से आएगा और कंटिन्यू इसको धूप लगेगा, तो अगर इसमें पानी की कमी रहेगी तो फिर ये मर जाएगा। और एक है 12 महीना जो धूप में फ्लावरिंग करती है, वो ये वाला है मिनी एक्सोरा। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इस जगह पे है बोल करके ऐसा है, अगर आप इसको लेकर के थोड़ा और सेवा सत्कार करें तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। और एक है मंदार, मंदार भी हमेशा खिलता है, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे ताप लग रहा है। अभी मेरे यहाँ नौतप्पा चल रहा है दोस्तों, नौतप्पा मेरे ही यहीं नहीं सभी जगह चल रहा है, इसी वजह से दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा छोटा सा नर्सरी है, नर्सरी में हम आपको दूसरे बार और दिखाएंगे। चीकू वगैरह देखिए यहाँ पे बढ़िया लगा हुआ है, सीताफल में फल भी आ रहा है, बेर में बेर भी है, लींबू में लींबू भी फला हुआ है। देखिए अगर कोई लेना चाहे तो बिल्कुल हम ऑनलाइन सेल कर देंगे, ऑनलाइन भेज देंगे, आप लोगों तक मिल जाएगा बहुत बढ़िया। लेकिन गर्मियों में एक चीज़ का खास ध्यान रखें दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह आप अपने पौधे को शिफ्ट ना करें गर्मी में। अगर वो मिट्टी में जैसे इस टाइप के लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये, तो इसमें एक चीज़ नुकसान ये होगा कि वीक में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखिए पत्ते मुरझा गए थे इसके पूरे, और जब हम इसको भर भर के पानी देना शुरू किया, एकदम धूप में है ये, तब जा कर के यहाँ पर थोड़ा सा टिका हुआ है। ये एक्चुअल में वाटर एप्पल का पौधा है, और ये पीछे में था, दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो हम इसको बाहर ले आए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको माहौल भी अच्छा मिला। अब ये जब जड़ जमा लिया है और कंटिन्यू इसको पानी मिल रहा है तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। उसी के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये कढ़ी पत्ता का है, जिसको मीठा नीम पत्ता बोलेंगे, है ना। और उसके साथ में एलोवेरा भी है, और कुछ कुछ कटिंग जो हमने लगाया था जो कि सक्सेस हो चुका है। अगर किसी भाई को चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये भी है घर सजाने के लिए, एक बार अगर लगा लिए तो फिर ये मरता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चलता है। केला पेड़ जो है ये G9 है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा केला है, बहुत बढ़िया। इसका एज भी बहुत लंबे समय तक चलता है, 1 से 2, 2 से 4 हो जाता है। ये बहुत बढ़िया मल्टीप्लाई वाले हैं, और फसल इसका बहुत अच्छा रहता है। तो अगर किसी को केला लगाना है घर में पूजा पाठ से लेकर के या फल तक, तो बिल्कुल आप ये मंगा सकते हैं। अभी अभी इसमें पानी डाले हैं, थोड़ी देर में ये हेल्दी हो जाएगा।
साथ में आप सुपारी, घर के सामने में सुपारी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, सुपारी लगाने से आपका घर जो है, देखिए क्या होता है, बहुत लोग जो हैं बादाम का लगाते हैं, छाए के लिए बहुत सारे पौधे लगाते हैं, वो अलग है। इस सुपारी और नारियल और एरिका पाम, पाम क्यों लगता है ज़्यादा, उसका कारण यह है, एक तो दिखता भी सुंदर है और ऊपर से क्या है, इसमें पत्ते झड़ते भी नहीं हैं और गंदे भी नहीं होते हैं, फल का फल भी देगा। तो ऐसे करके है दोस्तों, बिल्कुल। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ जो छोटी सी नर्सरी है, इसमें तो बहुत गर्मी का भी मार सह रहा है, गर्मियों में कुछ कुछ पौधे नुकसान भी होते हैं। तो खैर, इसका अपडेट आपको देते रहेंगे और भी नेक्स्ट दिन बताएंगे क्या क्या है हमारे पास और कैसे देखभाल करना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आपका प्यार हमारे साथ में बना रहे, उसके लिए धन्यवाद।